हमारे इर्द गिर्द दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि सबको हैरत में मुब्तला कर सकती हैं अगर बगौर इनका जायज़ा लिया जाए तो। क्या कभी आपने फ्रेंड सोचा है कि इंसान की दुम क्यों नहीं होती और बाकी तमाम जानवरों की ही दुम क्यों होती है? अगर नहीं सोचा तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बरवक़्त मिलती रहें, और उसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज टेक्निकल इमरान को भी फॉलो ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, हरन, जराफा, गधा, चूहा, सांप, चील, गज, दुनिया में मौजूद चिरिंद परिंद जानवरों पर एक दुम मौजूद है जो कि मुख्त तरह से इनकी मददगार साबित होती है। बात की जाए कुत्ता बिल्ली की, तो पालतू जानवर हमेशा अपनी दुम जब कभी हिलाते या ऊपर की तरफ करते हैं तो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानब ऊपरी निची सतह पर तोज़न बरकरार रखने में यही दुम उनकी मददगार होती है। दूसरी जानब गाय की दुम पर अगर काबू पा लिया तो समझने आधी गाय को आपने काबू कर लिया, क्योंकि गाय की दुम काफ़ी ताकतवर होती है। साइंस के मुताबिक जानवरों में मौजूद दुम का नज़रिया 500 मिलियन साल पहले वजूद में आया था। बड़ी नस्ल की छिपकलियाँ दुम का इस्तेमाल जिस्म में मौजूद चर्बी को महफूज करने के लिए करती थीं। इसी तरह परिंदे दुम का इस्तेमाल हवा में उड़ने और तवाज़न बरकरार रखने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह दुनिया में जिद्दत आती रही और इंसानों की आबादी बढ़ती गई तो दुम भी गायब होती गई। साइंस के मुताबिक गोरिल्ला के जिस्म में दुम नहीं होती लेकिन है बंदर की ही किस्म। इस तरह फिर मजीद जिद्दत आई और इंसान का कई सूरत में दुम मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। अगरचे ये सुनने में अजीब लगता है, ताहम ये साइंस की बातें हैं। इंसान की दुम ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि चूंकि इंसान दो पाँव पर चलता है जिसकी वजह से इसे कम ताकत लगाना पड़ती है, और चार पाँव वाले जानवरों के मुकाबले में महज 25% ताकत का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। चूंकि जानवर का सर आगे की जानब होता है जो कि किलो से नापा जाता है, इसे तवाज़न बरकरार रखने के लिए दुम मदद करती है, लेकिन इंसान का सर जो कि 5 किलोग्राम तक हो सकता है ऊपर की जानब होता है जिसे तवाज़न के लिए दुम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है फ्रेंड्स कि छोटी सी मालूमात वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि सर की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बरवक़्त मिलती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।